नमस्कार, मैं हूं मनोज मुंतशिर। आप देख रहे हैं बोल इंडिया न्यूज। अब सच देखेगा इंडिया। बोल इंडिया, सच की आवाज। अब सच देखेगा इंडिया। इस गाने में केमिस्ट्री आप लोग की बहुत अमेजिंग लग रही है, राइट? है कि नहीं? थोड़ा साथ दो ना यार, मैं सवाल पूछ रहा हूँ, राइट? सो केमिस्ट्री बहुत अमेजिंग लग रही है। सो आप लोग ने इसे ऑफ स्क्रीन से ऑन स्क्रीन, मतलब हाउ डिड यू ट्रांसफर दिस केमिस्ट्री? सो यार, होता है जो आपकी दोस्ती होती है किसी के साथ और देन यू गेट टू वर्क विद दैट पर्सन, तो मुझे लगता है केमिस्ट्री आती है, फिर काम में भी केमिस्ट्री आती है। आई थिंक देयर इज अ कंफर्ट जोन मी एंड निकिता हैव क्रैक्ड वेयर वी कैन वर्क टुगेदर वेरी वेरी कंफर्टेबली। बट आई नो व्हाट यू मीन टू से। ऑलराइट निकिता, हाउ अबाउट यू? वेल, आई टोटली एग्री विद हिम। आई मीन, आई हैव दिस सर्टेन कंफर्ट लेवल ऑफ वर्किंग विद जुबिन, ऑल्दो ही इज वेरी इजी टू वर्क विद। So yeah, I think probably that has easily been translated on screen. That's amazing. Well, this is, I believe, your first ever single with TC. Yes. So how was it working with the whole team and of course Jubin? How was the whole experience? Absolutely lovely. I think when we talk about music videos, they are by far the best ones here in the industry. So it is an honor, a privilege to be here working with them. And their team is a delight to work with. I have had one of the best times shooting with everybody, even behind the camera. So can just say thank you for being so supportive and making sure I had a great time. Kya baat hai? All right, moving on. Jubin, bahut pehle, back in your days, aapne Nikita ke, amazing cheez ke liye aapne gana gaya tha. Aur ek dooje ke baas, it was this thing which, you know. So how was that, and how is it now, the vibe with her, because you sang it for her then, abhi kaisa hai? Sawal koi bhi poocho, yahi se pakad ke, yahan se pakad ke, wahi aata tha. To dekhiye, when I sang for her for the first time, log usko tha hi mulaqat hui thi, hame nahi pata tha ki we'll do such a beautiful song together eventually, and I didn't know that she's gonna be my first on screen wife, you know what I mean? So I mean, this was just I think it was written like this. We met then and eventually हम लोग की दोस्ती जो है बड़ी बड़ी बड़ी, फिर हमने गाना साथ में करा, इसलिए केमिस्ट्री अच्छी आ रही है। एंड मस्ट एग्री टू दैट। वेल, बातें बहुत हो गई, अभी जुबिन स्टेज पे है, आई थिंक इट्स टाइम फॉर हिम टू सिंग अ फ्यू लाइंस ऑफ मस्त नजरों से। लेट्स गिव इट अप फॉर जुबिन नौटियाल। हियर वी गो। बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे। सर थोड़ा सा रिवर्ब कार्टून ले कर लेना। कैन आई कॉल द म्यूजिक टीम ऑन विद मी प्लीज? सर प्लीज, आप लोग साथ रहेंगे स्टेज पे तो मुझे हिम्मत ज्यादा आएगी गाने गाने के लिए। वाह, लेडीज एंड जेंटलमैन, गिव इट अप फॉर मनोज मुंतशिर जी एंड रोचक कोहली इन द हाउस। गिव इट अप। देखिए, इंस्ट्रूमेंट है नहीं हमारे पास। मनोज सर, आप गाएंगे? जी जी, बैठे होंगे। बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, बारिशों का वो महीना भूल पाएंगे कभी ना, जुल्फ से जब पानी झटका पुणे झुमके, हाय ऐसी खूबसूरत भूल बैठे हम शराफत, लौट आई पागल आंखें तुझको चूमके, इश्क था या जहर चढ़ गया था, इश्क था या जहर चढ़ गया था, होश में आज तक आ ना पाए,
मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। आशिकी कातिलों की गली है, आशिकी कातिलों की गली है, जीते जी कोई वापस ना आए, मस्त नजरों से अल्लाह बचाए, हुस्न वालों से अल्लाह बचाए। थैंक यू। सर, व्हाट अ ब्यूटीफुल सॉन्ग। एंड आप हमेशा बहुत डिफरेंट कॉन्सेप्ट्स पे वर्क करते हैं और बहुत अच्छे अच्छे गाने लेके आते हैं, ऑडियंस बहुत प्यार करती है। You know, I just want to understand कि ये गाने का concept और ये ज़हन में कैसे आया। See, ये हमारा third in a row इस mood का गाना है। First we did लुट गए, that was also with Zubin, and then we did दिल गलती कर बैठा है, that also was with him, and now this one मस्त नज़रों से। And I think Manoj ji was on me, for me then Zubin, they both were common in this song. So ये जो मेलेडी है, मीन्स इट इज़ आर इंडियन मेलेडी, एंड दिस टाइप ऑफ सॉन्ग्स नेवर फेल, मीन्स, एंड ये हम बचपन से इस टाइप के मेलेडी सुनते आ रहे हैं। तो हमारा टी सीरीज में यही रहता है कि मीन्स जो चीज़ पब्लिक सुनना चाहती है, वही ट्राई एंड मेक दैट। तो मेरी काफ़ी मनोज जी से बैक एंड फोर्थ होता है लिरिक्स को लेके, एंड इवेंचुअली देन पे हम हार्ड वर्क करके ये चीज़ अचीव कर पाते हैं। सो मीन्स इट्स ऑल टीम वर्क, एंड इट्स नॉट ओनली माई जॉब और थिंक, येस द सीड कम्स फ्रॉम अस, क्योंकि वी आर सिटिंग द मार्केट एंड वी कम टू नो वॉट पीपल वॉन्ट्स टू लिसन मोर। सो उसके हिसाब से फिर पूरी टीम साथ में होती है, एंड देन बैक एंड फोर्थ करके चीज़ें बनती हैं। उसके लिए आपको मनोज जी ज़्यादा बताएंगे कि मैं कितना इनके साथ हमारा झगड़ा होता है, मतलब लेकिन फॉर द गुड वर्क। और हमेशा जब झगड़ा होता है तो पहली बार जब फीडबैक आता है तो मुझे लगता है यार मैंने इतना अच्छा लिखा था, भूषण जी को पसंद ही नहीं आया, तो 15 मिनट में अपसेट रहता हूँ और फिर लिखना शुरू करता हूँ जो भूषण जी ने पॉइंटर्स बताए होते हैं। बाय द टाइम टू रीच थर्ड और फोर्थ ड्राफ्ट, और ये भी बता दूं मैं कि मैं भूषण कुमार के अलावा किसी के लिए दूसरा ड्राफ्ट नहीं लिखता। तो तीसरा चौथा ड्राफ्ट आते आते मुझे भी लगता है कि जो भूषण जी ने पहला रिजेक्ट किया था वो रिजेक्ट होने लायक था, चौथा वाला सही है, यही बनना चाहिए। एक चीज़ भूषण जी ने बताई नहीं, मैं ज़रूर बताऊंगा कि एज ए कंपनी टी सीरीज हमेशा जो देश के हालात हैं उन पे हम एक बहुत कीन नज़र रखते हैं। मुझे याद है इस गाने को बनाने के पहले मेरी जब मुलाकात हुई थी, रोचक भी थे, मैं भूषण जी रोचक, भूषण जी ने एक बात कही थी कि बहुत दुख दर्द से गुजरा है देश अभी पैंडमिक के दौरान, हम अगर थोड़ी स्माइल्स दे पाएँ, थोड़ी मुस्कराहटें दे पाएँ, थोड़ी खुशियाँ दे पाएँ म्यूज़िक के माध्यम से, तो ये मौका हमें नहीं छोड़ना चाहिए। तो मुझे लगता है कि बाकी सब कुछ, ये पहली मोहब्बत का गाना है, पहली नज़र के प्यार का गाना है, मोहब्बत के सेलिब्रेशन का गाना है, लेकिन ये टी सीरीज़ का एक गिफ्ट भी है इस देश को कि देखो हंसने के, मुस्कराने के, खुश रहने के मौसम वापस आ गए हैं, खुश रहो सब लोग। सर एक और आखिरी सवाल है आपसे, ये जानना चाहता हूँ ये जो ट्रायो खड़े हैं ना यहाँ पे, जुबीन, मनोज एंड रोचक, इनको आप हमेशा यू नो यू यूज देम इन अ वेरी ब्यूटिफुल वे, सो यू नो आप इनको क्यों मतलब हमेशा चूज करते हैं? नहीं, ये फैमिली है। एक फैमिली है, मैंने आपको जैसे बताया अभी भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम लोग करें, एंड हम तो फैमिली मानते हैं, आई थिंक रोचक भी मानता होगा। सो वी ऑलवेज से इट्स अ टी सीरीज फैमिली, एंड अभी भी जब ये गाना रिलीज हुआ है, ही इज ऑलरेडी वर्किंग ऑन 3-4-5 आई डोंट नो मेनी सॉन्ग्स विच वी आर डूइंग, सो इट्स ऑलवेज मीन्स ये मेरा कंफर्ट लेवल है, दे अंडरस्टैंड मी। नहीं तो नॉर्मली म्यूजिक कंपोजर्स और लिरिसिस्ट अपनी बात पे अटक जाते हैं कि नहीं हमें यही करना है, लेकिन आई नो मीन्स ये कभी नहीं अटकते, बिकॉज दे अंडरस्टैंड वेयर आई एम कमिंग फ्रॉम। मैं कुछ अपनी ईगो के लिए नहीं बोलता, नहीं मैं बोल रहा हूँ तो वो सही है, मैं जेन्युइनली जो चीज़ पब्लिक को ठीक लगेगी उस हिसाब से एडवाइस देता हूँ, एंड दे टेक दैट एडवाइस। सो वो जैसे अभी हम बात कर रहे थे, बीच में एक पार्ट था जो
जहाँ पे शी इज डांसिंग दैट वॉज नॉट देयर बिफोर वी वर मेकिंग वेरी रोमांटिक सॉन्ग. फिर मैंने इनको बोला यार एक पार्ट वहाँ पे डालो जो वहाँ पे द फीमेल वहाँ पे सरगम डालो वहाँ पे परफॉर्मेंस आ सके. Get up, ladies and gentlemen. All right. शादी हमेशा यार ब्राइड और ग्रूम के अलावा ब्राइड के जो बेस्ट मैन होते हैं और ब्राइड्स मेन होती है वो लोग शादी को कंप्लीट करते हैं. मैं प्लीज आस्क बोथ ऑफ यू टू प्लीज जॉइन अस ऑन स्टेज. लेडीज एंड जेंटलमैन दैट्स निवांश कोहली एंड अनुष्का सेन. गिव इट अप लेडीज एंड जेंटलमैन. जोरदार ताली हो जाए. आपके लिए सवाल है यार आप बेस्ट मैन ब्राइड्स मेड कमिंग टुगेदर आप एक्सपीरियंस कैसा है? सो द एक्सपीरियंस वाज अमेजिंग. ये जो गाना है ये इतना ब्यूटीफुल गाना है कि जब हम शूट कर रहे थे ये लग ही नहीं रहा था शूट है क्योंकि जो होली सीक्वेंस था एंड जो डांस परफॉर्मेंस था सारे पार्ट्स इतने ब्यूटीफुली हमने शूट किए कि इट एक्चुअली फेल्ट लाइक वी वर अटेंडिंग अ वेडिंग जेन्युइनली. एंड आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ ज़ुबिन सर एंड ऑल्सो आई हैव टू से दैट इट्स माय सेकंड टाइम आई एम डूइंग अ सॉन्ग विद टी सीरीज एंड इट्स लवली टू मीट यू सर. आई हैव टू से दैट just being a part of a song which is so beautiful I'm just very happy that jaise maine kaha ki ye gana is just for people to smile and spread smiles so I'm very happy that I'm a part of it and we had a great time together shooting and it was just amazing. Ashish sir is a very very good director sir. He has given inputs which has made the song look so great. So it's the teamwork. Hats off to the team of T-Series, the entire team, the dancers, the choreographers, everybody. ऑलमोस्ट सभी कवर हो गया लेकिन आई थिंक आई वुड लाइक टू ऐड जब ये गाना शुरू हुआ तो स्टार्टेड विद अ प्रैंक. राज चन्ना इट कॉल्ड मी उन्होंने मुझसे बोला कि जुबिन की शादी हो रही है. सो मैं भी ऐसी शॉक्ड हो गया एंड देन ही टोल्ड मी कि भाई हम तो घर वाले लड़के वाले तो हमें तो पूरी तरह से इसमें रंग डालना है. सो मुझे समझ नहीं आ रहा था कि सच बोल रहे हैं झूठ बोल रहे हैं और धीरे धीरे वो माहौल और क्रिएट होते गया. शिवम सोनल सब उसमें मिलते गए and then finally I was told that this is going to be a song. इसके बीच में उन्होंने कॉल भी कर दिया था ये पूछने के लिए कि हो रही है नहीं हो रही है कपड़े सिलवाने हैं नहीं सिलवाने हैं जल्दी बताओ. अभी भी क्वेश्चन है हो रही है नहीं हो रही है सर मैं इसी सोचा कि ये प्रमोशन स्टंट है इसीलिए मैं पूरे स्टेज पे सबके सामने नहीं अभी भी छुपा रहा था ये दोनों छुपा रहे थे इस बात को तो बाबा बता दो असली में कपड़े सिलवाने हैं. नहीं मतलब मेरा अगला सवाल यही है कि यार आपने रील में तो बता दिया कि आप उसके बेस्ट मैन हैं तो अभी रियल लाइफ में कभी बन रहे हो बेस्ट? मुझे लगता है रियल लाइफ में मुझे बेस्ट मैन बनना पड़ेगा क्योंकि अगली शादी गलत जगह तीर डाल रहे बाबा. अभी कहानी शुरू हुई है. सो अगेन कमिंग विद द एक्सपीरियंस इट वाज ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस वंडरफुल टीम स्टार्ट्स विद माय डायरेक्टर आशीष भाई. हम लोग सेट पे आशीष एंड मी हैव बीन कनेक्टेड सिंस यारिया और